आईयूटी का फुल फॉर्म इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर, इंट्रा का अर्थ हो गया अंत, यूटेरिन अर्थात गर्भाशय, ट्रांसफर मतलब स्थानांतरण, है ना, अंत गर्भाशय स्थानांतरण अर्थात गर्भाशय के अंदर स्थानांतरित कर दिया जाता है। और गर्भाशय के अंदर किसको स्थानांतरित किया जा सकता है, तो वह है एम्ब्रायो को, भ्रूण को। तो जिन फीमेल में यूटेरस में विकृतियां रहती है, गर्भाशय में भी विकृतियां रहती है, तो उन स्त्रियों में ओवम भी बनता है, ओव्यूलेट भी होता है, फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन भी हो जाएगा, लेकिन जब एम्ब्रायो यूटेरस में आएगा तो स्थापित नहीं हो सकता होता है। जब स्थापित नहीं हो पाता है तो इस स्थिति में स्त्रियां प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, गर्भधारण नहीं कर पाती है, अर्थात वह माँ नहीं बन सकती है। लेकिन एक टेक्निक है, वह खुद के बच्चों की माँ बन सकती है, सिर्फ वह जन्म नहीं दे सकती है। उन महिलाओं के लिए आईयूटी मेथड जो है एक वरदान साबित है, वह खुद अपने बच्चों की माँ बन सकती है, लेकिन वह बच्चों को जन्म नहीं दे सकती है, क्योंकि उसका गर्भाशय क्या है, क्षतिग्रस्त है, गर्भाशय में विकृतियां हैं। इसमें भी क्या होगा, फीमेल के ओवम को निकाल लिया जाएगा। किसके द्वारा निकाला जाता है, एक विशेष सिरिंज से निकाला जाता है, ओवम को निकाल करके कृत्रिम माध्यम पर रखा जाता है, उसके बाद उसके हस्बैंड के स्पर्म द्वारा फर्टिलाइज कराया जाता है, जिससे एम्ब्रायो बन जाता है। एम्ब्रायो जब 32 कोशिका वाले हो जाते हैं तब जाकर के जो है उस एम्ब्रायो को किसी फीमेल के गर्भाशय में स्थापित किया जा सकता है। वह महिला या तो घर के रिलेटिव भी हो सकते हैं, घर के रिलेटिव नहीं होते हैं तो हॉस्पिटल में जो इन सब से जुड़े हुए स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हैं, वहां पर कई सारे नर्स रहते हैं, आपसे रुपया लिया जाएगा और वो अपने आपके बच्चों को, आपका जो एम्ब्रायो है उसको गर्भ में रखने के लिए तैयार रहती है, रुपया लेती है उसके बदले में, और 9 महीने रखने के बाद जो शिशु उत्पन्न होते हैं वह शिशु को बाद में आपको दे दिया जाता है, यानी शिशु आपका ही है, सिर्फ उसको किसी अन्य महिलाओं के गर्भाशय में रखा जाता है, स्थापित कर दिया जाता है। तो जो महिलाएं किसी अन्य महिला के एम्ब्रायो को अपने गर्भ में रखती है तो जन्म तो वही महिला देगी, इसलिए उसको भी माँ कहा गया है, लेकिन सरोगेट मदर कहा जाता है। कौन सा मदर, सरोगेट मदर या नर्स मदर या परिचारक माँ भी कहा गया है। कुछ स्त्रियों में निषेचन के फलस्वरूप एम्ब्रायो अर्थात भ्रूण बनता है, लेकिन वह गर्भधारण नहीं कर पाती है। ऐसी स्थिति में उस स्त्री के ओवम और उसके हस्बैंड के स्पर्म में कृत्रिम रूप से निषेचन कराया जाता है। ओवम को स्पर्म द्वारा जो है कृत्रिम रूप से फर्टिलाइज करा करके एम्ब्रायो निर्मित कर लिया जाता है, और जो निर्मित भ्रूण है जब 32 कोशिकीय वाले हो जाते हैं तो उसको किसी अन्य इच्छुक महिला के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। उस महिला को सरोगेट मदर कहा जाता है, नर्स मदर कहा जाता है, परिचारक माँ कहा जाता है, और इस विधि को आईयूटी कहते हैं। इस विधि को कुछ स्त्रियों में निषेचन के फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है, किंतु स्त्रियां गर्भधारण नहीं कर पाती है। ऐसी स्थिति में उस स्त्री के ओवम एवं उसके हस्बैंड के स्पर्म को कृत्रिम रूप से फर्टिलाइज करा करके भ्रूण को निर्मित कर दिया जाता है। निर्मित भ्रूण जब 32 कोशिका वाले हो जाते हैं तब किसी इच्छुक महिला के गर्भाशय में उसे स्थापित कर दिया जाता है। उस महिला को सरोगेट मदर या नर्स मदर या परिचारक माँ कहा जाता है, और इस विधि को आईयूटी कहते हैं। कुछ स्त्रियों में निषेचन के फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है, किंतु स्त्रियां गर्भधारण नहीं कर पाती है। ऐसी स्थिति में उस स्त्री के ओवम और उसके हस्बैंड के स्पर्म को कृत्रिम माध्यम पर रख करके फर्टिलाइज कराया जाता है, है ना, और जिससे निर्मित भ्रूण को 32 कोशिकीय अवस्था में किसी इच्छुक महिला के गर्भाशय में इम्प्लांट कर दिया जाता है, रोपित कर दिया जाता है। इस महिला को क्या कहेंगे, इस महिला को सरोगेट मदर या नर्स मदर या परिचारक माँ कहते हैं, और इस विधि को आईयूटी कहते हैं।
ये VVI है, IUT पूछा जाता है, या IUT कभी कभी नहीं पूछेगा तो ये लिख देगा, सरोगेट मदर से आप क्या समझते हैं, नर्स मदर से आप क्या समझते हैं, परिचारक माँ से आप क्या समझते हैं, सबका आंसर यही होगा। ICSI का फुल फॉर्म इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI का फुल फॉर्म इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, हिंदी हो गया अंतः जीव द्रव्य शुक्राणु वेधन। ये एक प्रकार का समझिए इंजेक्शन है जिसे सीमेन देना भी कहा जाता है। पशु सब में सीमेन देने की प्रथाएं बहुत ज्यादा चलती है अभी मुख्य रूप से, है ना। अब पशु को सांड के द्वारा फर्टिलाइज नहीं करवाया जाता है मुख्य रूप से, करवाया भी जा सकता है, पहले तो वही था मेथड, लेकिन अब जो है उन्नत नस्ल के पशु उत्पन्न हो तो सीमेन का ही प्रयोग किया जाता है, इंजेक्शन के रूप में सीमेन को दिया जाता है। जब ओवम ओव्यूलेट होते हैं उस समय जो है सीमेन को यूटेरस तक छोड़ दिया जाता है। तो ICSI में क्या होगा, स्पर्म को प्रयोगशाला में, स्पर्म को क्या किया जाता है प्रयोगशाला में ही संवर्धित माध्यम पर, प्रयोगशाला में ही संवर्धित माध्यम, कहां पे संवर्धित माध्यम है पर रखा जाता है। संवर्धित माध्यम पर रखने से स्पर्म जीवित रहते हैं, स्पर्म जीवित रहते हैं। वैसे नॉर्मली स्पर्म बाहर, जैसे ही स्पर्म शरीर से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, मर जाते हैं, इस वातावरण में स्पर्म मर जाते हैं, लेकिन उसको जब संवर्धित माध्यम पर रखा जाता है तो स्पर्म जीवित रहते हैं।